नमस्ते दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से जो है ये जो आपका GM10 कार्बाइन है, इनके साथ फिर से जो है मैं लौट कर आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मुझे इनके साथ जो है मैंने 4 फिलेट का ग्रुपिंग निकला था 30 मीटर पे, तो वो ग्रुपिंग मुझे उतना खास नहीं लगा। तो उस दौरान उसमें भी मैंने बोला था कि शायद इनका FES को आगे पीछे करा जाने से शायद जो है एक बेहतर ग्रुप निकल के आ जाए, तो वही चीज़ आज मुझे देखने को है। तो दोस्तों, मैं आज ये जो आप टारगेट पेपर देख सकते हैं, ये है आपका जो है 10 मीटर जो इंडोर शूटिंग रहता है एयर राइफल का, उसका टारगेट पेपर है। तो इसका आप साइज देखिए, इसका नंबरिंग काफ़ी जो है चौथा रहता है। तो ये देखिए, इसका साइज इतने का ही रहता है, ये देखिए, तो ऑलमोस्ट एक कॉइन में रहता है। इसका नंबरिंग आप देखिए, इसका जो नंबर जो है काफ़ी चौथा रहता है, मेरा लिटिल फिंगर देखिए, नाखून से भी चौथा रहता है। तो इस पर मैं आज जो है कुछ ग्रुप निकाल के देखूंगा, जो है 30 मीटर डिस्टेंस होगा, तो कैसे ग्रुपिंग बन के आता है वो देखेंगे आज। तो पता नहीं कैसे होगा। तो मैंने जो थोड़ा इनका जो है मुझे सही ग्रुपिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इनको जो है हेमर स्प्रिंग को थोड़ा आगे पीछे करा हुआ है। तो उस दौरान मैं ये जो GSB जो का पैलेट है 1034 ग्रेन, तो मैं इनको जो है इनके साथ हल्का फुल्का ग्रुपिंग किया है ताकि जो है एक बेहतरीन ग्रुप मिले। इसके साथ जो है थोड़ा करीबन अच्छा खासा ग्रुप निकल के आ रहा था, तो वही देखना है मैं आज। मैं वहाँ 2 टारगेट लगाएगा, जो है 1 में 5 और 1 में 5 में सोर्स करेगा। तो आपको मैं रेंज फाइंडर से दिखाता हूँ जो है डिस्टेंस कितना होएगा। गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं। तो चले, जो है 30 मीटर है एग्जैक्ट, आपको दिख पा रहा है कि नहीं, 31-30 आ रहा है। तो अब 30 मीटर पकड़ के चले। तो दोस्तों, मैं टारगेट वगैरह सेट कर आ गया, तो ग्रुपिंग निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये GM10 कार्बाइन है, तो जब हमको ये स्क्रू को खोलना रहता है काफ़ी दिक्कत होता है घुमाने के लिए, तो काफ़ी थोड़ा दिक्कत देता है इसको निकालने के लिए स्क्रू को। तो इसलिए मैंने क्या करा है, ये देखिए यहाँ खोल कर दिया है, तो अभी काफ़ी आसान से अब यहाँ एलेंगी घुसा के जो है खोला जा सकता है। तो आप भी इस प्रकार का जो है जुगाड़ करके जो है कर सकते हैं। इसको शायद कंपनी ने कर देता तो कोई दिक्कत होना नहीं था, थोड़ा सा ही काम था। तो ये नहीं रहने से आपको यहाँ से खोलने में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना होता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से जो है इसको जुगाड़ से जो है एलाइन करके खोल कर लेना है, तो आपको जो है काफ़ी खोलने में मदद मिल जाएगा। जो क्या है मोटा मोटी बता दिया। तो अब हम मेन जो है ग्रुपिंग निकाल के देखेंगे कि जो है कैसा रिजल्ट बन के आता है। पहले मैं लेफ्ट साइड पर 500 चलाएगा, तो वहाँ पिलेट कहाँ जा रहा है मुझे अंदाजा हो जाएगा, फिर जो है मैं राइट साइड टारगेट पे और 5 पिलेट चलाऊँगा, कुल 10 राउंड चलेगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, चश्मा निकालते हैं, नहीं तो मुझे दिखने में दिक्कत होता है चश्मे के साथ। तो चश्मा खोल दिया तो मुझे पिलेट लोड करने में दिक्कत होता है, सामने का मैं दिखाई देता नहीं, ब्लर हो जाता है, तो बस ऐसे में चलाता रहता हूँ। चले देखते हैं क्या बनता है। पहला जो है 5 ग्रुप जो है GSB हेवी डायब्लो 10.34 ग्रेन जो है 30 मीटर डिस्टेंस होगा। तो चलिए, पहला शॉट्स भाई ये ऊपर चला गया। जो पहला 1-2 शॉट्स ऐसा होना लाजमी है, ये जो है हर एक एयर एप्पल में होता है। तो चले, 1 शॉट हो गया, अबे ग्रुपिंग सही नहीं आया भाई, बाहर निकल गया।
चलिए तीन, सारा बाहर जा रहा है, क्या हो गया? तीन चार, चार 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 पांच, ये टारगेट पे हिट नहीं हुआ तो अभी का जो पहला टारगेट सही नहीं आया भाई, मैं फिर से वही टारगेट पे और पांच शॉट चलाऊंगा, यानी कि 10 शॉट्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हवा के कारण भी जो हो सकता है, ये नॉन रेगुलेटेड है तो ये सब होता रहता है। चलिए देखते हैं, पर वन टू 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 थ्री थ्री फोर फोर फाइव। तो दोस्तों मैं एक्चुअली पांच शॉट्स चलाना था पर ग्रुप सही नहीं आया तो इसलिए मैं पहला टारगेट पे जो है तो 10 राउंड चला दिया, तो इतना रिजल्ट नहीं आ रहा। चलिए एक जो है नेक्स्ट टारगेट को देखते हैं उस पर क्या आता है। हल्का जा जो है राइट की तरफ जा रहा है तो मैं हल्का सा लेफ्ट लेते हुए शॉट नहीं, मैं लेफ्ट नहीं लेगा, सेंटर में ही शॉट करेगा तो ग्रुप कहाँ आएगा वही देखना है बस। चले मैं सेंटर पर ही एम करता हूँ, वन राइट की तरफ जाते हुए टू 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 थ्री थ्री फोर फोर फाइव। भाई इसका ग्रुपिंग बिल्कुल सही है, देखिए सेम होल चला गया है तो मेरा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो राइट की तरफ जा रहा है तो राइट जाओ लेफ्ट जाओ ऊपर नीचे ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो है एक ग्रुप में आने चाहिए, पांच प्लेट या 10 प्लेट तो उसको आप जो है स्कोप के द्वारा आप डाउन लेफ्ट राइट को मिलाया जा सकता है। हर एक इम्पैक्ट जो है अलग अलग जगह नहीं जानी चाहिए तो एक ग्रुप में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट जो सेम ग्रुप में ही आया है भले ही टारगेट पे हिट ना हुआ हो तो उस पर मैं और एक शॉट लगाऊंगा, कुल मेरा 20 शॉट हो जाएगा। तो हल्का सा लेफ्ट लेकर जो है मैं टारगेट में सेंटर में हिट करने की कोशिश करूंगा, तो हल्का सा राइट जो है पहले इम्पैक्ट हो रहा है तो चले देखते हैं। कुल 20 राउंड हो जाएगा भाई, मैं पाँच पाँच चलाने का था पर मैं हर एक टारगेट में 10-10 चला लेगा भैया। टारगेट पे तो हिट हुआ और पांच शॉट चलाएगा मैं तो टू 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 थ्री
3, 4. पाइप तो चले दोस्तों, कुल ये हो गया आपका 20 शॉट्स मैंने चला लिया। 5-5 चलाने का था पर एग्जैक्ट टारगेट हिट नहीं हुआ, इस दौरान मैंने 20 राउंड चला लिया। तो चले टारगेट को उतारते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बन के आया है। तो दोस्तों मैं टारगेट जो है लेकर आ गया, तो ये जो है कैसा था, हाँ इस प्रकार था। तो ये देखिए, ये पहला टारगेट है, तो इसका जो है ये अब कॉइन है, तो इस प्रकार का आया है। तो यहाँ मैं एक्चुअली 5 चलाया था पर सही ग्रुप नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे जो है 10 राउंड चलाया, तो इस प्रकार का ग्रुप है। तो उसके बाद जो है आपका सेकेंड टारगेट ये देखिए, तो इसको भी आप कॉइन के साथ देखिए। तो यहाँ भी मैं इसको हिट करने की कोशिश करा पर राइट की तरफ जा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से इसमें फिर 5 पैलेट ऐड किया, यानी कि यहाँ भी 10 राउंड चला है। तो दे चलिए मैं कैमरा को उतारता हूँ तो ही मैं आपको शायद समझा पाएगा सही से। तो ये आप देख सकते हैं 2 टारगेट, ये जो है पहला टारगेट यहाँ सेंटर एम किया पर राइट जाकर लगा है, पर इसका ग्रुपिंग जो है उतना जो है सही ढंग से नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं 2 रुपये का कॉइन है, इतने का आया। तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है ये है, जो है मेरा फाइनल आप मान सकते हैं। तो इनको यहाँ सेंटर एम किया तो यहाँ जाकर जो है 5 फिलेट लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था, 4 फिलेट यहाँ घुसा हुआ था, एक यहाँ था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है सेंटर हिट करने की कोशिश करके यहाँ एम करा तो भी राइट दिया है, तो यहाँ हुआ है। तो कुल मिला के जो है फाइनल ग्रुपिंग ये है आपका 10 राउंड का, तो आप देख सकता है ये 10 राउंड का ग्रुप है भाई, काफ़ी अच्छा ग्रुप है। ये देखिए सारा एक दूसरे को टच करते हुए, ये मेरा लिटिल फिंगर, यहाँ कुछ ग्रुप बना है। तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट तो यही है भाई। तो दोस्तों ये जो 2 प्रकार का ग्रुप आया है, तो इनको मुझे देखकर लगता है जो है एयर फ्रेशर का जो है कारोबार है। तो यहाँ एग्जैक्ट आपका ये था 200 बार एग्जैक्ट था, तो उसमें 10 राउंड जो है इतना का ग्रुप बनकर आया है। देखिए इधर उधर थोड़ा बिखरा पड़ा है, उसके बाद 10 शॉट चलाने के बाद एयर फ्रेशर जो है कुछ कम हो गया था, शायद कितना बार गया होगा पता नहीं, करीबन 180 तक चला गया होगा। तो उसके बाद ये देखिए इसका ग्रुप जो है काफ़ी बेहतरीन आया है, तो इतने का ग्रुप आया है, तो अच्छा है, ग्रुपिंग बिल्कुल सही है 30 मीटर पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस एयर एप्पल पे आपको जो है एयर फ्रेशर का जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो एयर प्रेशर के मुताबिक जो है वेरिएशन जो आ रहा है। तो पहले बार का वीडियो से तो ग्रुपिंग आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन आया है, तो इसलिए भाई आप गन को निकल के अंधाधुंध चलाने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गन अच्छा नहीं है, ये है वो है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो यानी कि आपको अपने गन जो भी लिया है उनको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करा, जब पहली बार मैंने ग्रुप बनाया तो 4 पहले चलाए सही ग्रुप नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने ये जो JSB 1034 के साथ, क्योंकि ये भी सही ग्रुप नहीं आ रहा था, तो मैं इनके साथ ग्रुप निकालने की कोशिश करा। मेरा कहने का मतलब है तो पैलेट सेम है, तो उसको मैं पावर को जो है ये देखिए हैमर को तरह हल्का एडजस्ट करा हुआ है, तो यानी कि जो FPS हमेशा मैं बोलता है जैसे पैलेट का ग्रेन है उसके बाद आपका गन का FPS जो मिलना होता है, तभी जो है आपको है प्रॉपर एक्यूरेसी जो है निकलता है। तो भाई ये सब टेस्ट करने के लिए आपको हवा काफ़ी चला जाता है, मेहनत लगता है, तो हवा जाता है तो आपको बार बार सोच करेगा ग्रुप
मिलाने के लिए हवा चला जाता है, मेरा कहने का मतलब है। बार बार आपको पंप है तो पंप लगाना पड़ता है। तो आपने जो है सही चीज़ें निकलना है, तो हर चीज़ में एक आपको जो है एक अच्छा जो है पल पाने के लिए आपको उतना तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई लोग। तो चलो दोस्तों, यही है भाई आज का वीडियो में जो बेसिक चीज़ें जो मैंने करा है, मैं जैसे जो है ढूंढता है वो मैं आपको बताया। क्रोनोग्राफ होता तो मैं आपको सही ढंग से दिखा पाता कि कितना वेरिएशन हो रहा है। तो क्रोनोग्राफ वगैरह तो है नहीं मेरे पास, मैं ऐसे ही अंदाजा से जो है ग्रुपिंग निकालता हूँ। आप भी ये चीज़ जो है एक जुगाड़ के तौर पर आप इसको जो है ऐसे आप जो है FES को ढूंढ सकता है या ग्रुप को ढूंढ सकता है। FES तो नहीं ढूंढ पाएगा, FES निकल जाता है, पर आप क्रोनोग्राफ नहीं होगा तो आप रीत कर नहीं पाएगा। तो आप ग्रुप को देखते हुए कहाँ बेस्ट ग्रुप देता है उसका मुताबिक आप इसको एडजस्ट करा जा सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में उतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और जो बाइक को जो है ज़रूरी है आप उन सारे बाइक को जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।